हे गाइस, वेलकम बैक टू विया फैमिली ब्लॉग। सो गाइस, आज है एकादशी और मॉर्निंग हो गई है। चिनो, आज हमने वो लिया, मिसाइल वाला ट्रक लिया है, आप लोगों को दिखाना था। वेरी नॉनसेंस। अरे लिया है यार, मिसाइल वाला ट्रक। वो मिसाइल मेरी है। ये मिसाइल वाला ट्रक है, इसके जो ओनर है जब तक नहीं आते तब तक कि हमारा है, वो आएंगे तो छीन छीन के ले जाएंगे। पागल है ये। तो जा रही हूँ बस, अभी हम लोगों ने खाना वाना खाया और जस्ट बैठी हूँ मैं। अब मुझे जाना है, श्रृंगार करना है भगवान जी का। जाओ तुम तो मैं भी जाऊँ श्रृंगार करो। मेरा श्रृंगार तो करा नहीं तुमने आज। लाली लिपस्टिक लगाऊं तुमको? लाली लिपस्टिक नहीं, कुट कुट पहनाती, मेरे पैर वैर दबाती, थोड़े सेवा करती। अपने आप को क्या कृष्ण भगवान समझ रहे हो? एकादशी पे पति की सेवा करनी चाहिए। पति की रोज ही सेवा करते हैं। अल्ले अल्ले अल्ले। जाओ तो तुम यहाँ से। मैंने सुना तुमको डाक सके लोगे। कहाँ हुए यार, ऐसे दिखाई नहीं देते, ऐसे लगता है शेडो में हल्का सा, जब लाइट का शेडो होता है। कल देखा मैंने बहुत। मेरे साथ रहती हूँ ना तुम, इसलिए नहीं दिखते। तुमको तो है, तुमको तो है, तुमको है। मेरे तो उद बिलाव जैसी आंखें हो गई। तो चीनू के तो सच में डार्क सर्कल है, ये तो कोई कहने वाली बात है नहीं, क्योंकि चीनू को पता नहीं क्यों ही है डार्क सर्कल बचपन से। अरे बाबा, जीन्स में, मेरे जीन्स में। किसको थे तुम्हारे खानदान में? पूरे खानदान को डाक सकल है। पापा को थे क्या तुम्हारे? सबको सबको, मैं पूरे खानदान को डाक सकल। मुझे तो नहीं। तुम्हारे खानदान में किसी? मैं भी तो तुम्हारे खानदान की हूँ। तुम डायलॉग, ये तुम लोड नहीं लेती ना किसी के? मैं नहीं लेती, जब जो होता है ना बस उस दिन लोड लेती हूँ, फिर कुछ महीने लोड लेती हूँ बस। फिर कौन बोला तुमको कि डाक सकल? चाची बोल रही थी कल मुझे। अरे अच्छा बता दिया, मैं बोलने वाला था कौन अंधा बोला तुमको। सही में चाची को अंधा बोल रही। तुमने बता दिया ना इससे करे। चाची ने कल कमेंट किया था मुझे मेरे एक रील पे। अच्छा। हाँ, कि तुमको डार्क सर्कल हो गए हैं आजकल। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला देखते हैं, मेरे को भी हल्का सा लगने लगा था, पर तुम बोल रहे हो नहीं हुए तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो शैडो रही होगी। शैडो, हाँ शैडो रही। डार्क सर्कल होते तो सबसे पहले मैं ही तुमको बोल बोल के मार देता, तुम थोड़ा दूर रखो ना, इतना पास में रखती हो ना, लोगों को कुछ दिखता है ना कुछ बस। हाँ। ना इतना दूर ऐसे पता चलता है, ऐसे तुम पासपोर्ट साइज दिखाते हो मेरा, ऐसा क्या मतलब? कहाँ ले चल रहे हो घुमाने? पासपोर्ट की बात कर ली थी। घुमाने आज एकादशी, आज तो इस्कॉन टेम्पल चलो। मैं तो तुमसे बात नहीं कर रही थी ना, मैं क्यों तुमसे बात करने लग गई? क्यों करने लग गई? कल रात को हमारा गाइस झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था हम दोनों के बीच में। क्यों कर रही हूँ मैं तुमसे बात? यही आकर के हर थोड़ी देर में मेरे से बात करने लग जाते हैं। मैं अच्छा वाला यूवी के स्कूल के वीडियो देख रही थी, उस मैम ने भेजा था, तो एकदम भरे गुस्से में हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, ये उधर अलग सो रहे हैं, मैं इधर, और मैं यूवी को बोल रही हूँ, यूवी आपने स्कूल में ऐसा किया, मत करो ना, आपने स्कूल में ऐसा किया। तो ये क्या बोलते हैं, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अरे गुस्सा क्या है, एक दिन भी वो रह तो पाते नहीं है, ज़बरदस्ती का ताव दिखाते हैं, दिखाने के लिए बस। मिसाइल वाला जो ट्रक है तेरे लिए भी आया हूँ। और सुबह से मेरे से आगे हो के बात करने लग गए, मैं तो कर ही नहीं रही थी तुमसे बात, तुम क्यों कर रहे हो मेरे से? तेरे लिए लिया ये ट्रक। ये मिसाइल किसी दिन तेरी नाक में घुस जाएगी याद रखना। इनको समझ में आता है कि जब मैं जेन्युइन रीजन पे ही गुस्सा होता हूं। हमारा जो एकमात्र वो है ना प्रतिद्वंदी, वो तुम ही हो। बताओ सबको कि झगड़ा किस बात पे हुआ? नहीं बता देती हूँ, बता देती हूँ, कुछ लोग मुझे विलन समझेंगे इसीलिए मैं बता देती हूँ। तो कल इन्होंने खाना रात को नहीं खाया, इसलिए झगड़ा किया। मन नहीं था। मन नहीं था, ऐसा कोई होता है कि आदमी का मन ना हो आज खाना खाने का? होता? इस वजह से झगड़ा हुआ था हमारा। मुझे अगर कल तुम ये बता देती कि आज एकादशी है तो मैं खा लेता फटाफट।
तुम्हें तो मैंने परसों ही बोल दिया था कि आज एकादशी, मेरे पास आ जाता है मैसेज, मैसेज आ जाता है मेरे पास कि एकादशी परसों है। कल याद नहीं था ना, मेरे लिए लोग लगे हुए मैसेज भेज देते हैं तो मुझे पता चल जाता है अच्छा परसों एकादशी है। गुप्पी आप नहीं आना इधर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू भी नंगड़ू मंगड़ू में आ जाएगा तो मैं नहीं नहीं आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो तुम कल मुझे बता देती, कल जब नहीं कह रहा था तो ये बोलती कल एकादशी है खाना खा लो तो कह लेता। ताव किसको दिखा रहे थे तुम? तुम ही दिखा रही थी भाई, मेरे को तो नहीं आता था। ओ, तुम तो गाओ हो बुरा। मैं तो क्या करता हूँ, मिसाइल वाले ट्रक खरीद लेता हूँ। चुप रहो। तो गाइज मैं अभी कर रही हूँ श्रृंगार भगवान जी को। आज मैंने पुराना ड्रेस ही पहनाया है, मेरा हमेशा मन ऐसा करता है कि मैं उनको हमेशा न्यू ड्रेस पहनाऊँ, पर जो ड्रेस सिलती हैं उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, इस कारण से आज वो नहीं सिल पाई है न्यू ड्रेस। अरे मेरी टिकी निकल गई, एक मिनट गए, टिकी निकल गई। हाँ तो इस कारण से मुझे पुराना ड्रेस ही पहनाना पड़ रहा है, तो बस श्रृंगार कर लेती हूँ उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो गाइज़ फाइनली लुक हो गया है, रेडी है हमारे भगवान जी का, श्रृंगार कंप्लीट हो गया, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखो गाइज, कैसे लगे आप लोगों को? तो गाइज़ अब मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम बनाने जा रहे हैं रील। चीनू के आने का वेट कर रही हूँ, जस्ट वो आएंगे शोरूम से, उसके बाद हम लोग ये रील बनाएंगे। यो चुकु चुकु यू खेल तो चीनू भी आ गए हैं, फटाफट रील बनाएंगे हम लोग। ये कितनी अच्छी आ गए, कितनी अच्छी आ रही है, पापा फेंक रही है, पापा फेंक रहे हैं। बोला कम है यो पापा, युवन बोलो कम है यो। तो आ गए हैं चीनू, अब फटाफट बनेंगी रील। तो गाइस बहुत मेहनत लग जाती है एक रील क्रिएट करने में, आप सोचो कम से कम 10 टेक लेने पड़ते हैं तब जाकर के एक रील रेडी होती है। 1 घंटे लग गए हमको अभी एक वीडियो बनाने में। ये भाई ये भाग लगी क्या? तो गाइज हमारे पीछे पीछे हमारी पूरी टीम आ गई है। गाइज ये देखो हमारे टीम के 2 मेंबर हैं ये। सो ये कभी हमको करने ही नहीं देते हैं कुछ काम, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पीछे पीछे ये जरूर हमारे आ जाते हैं। तो ये ऐसे उपद्रवी रहते हैं और क्या करते हो। अरे एक वर्ड बोलना चाह रही थी मैं जो कि भूल गई मैं अभी याद नहीं आ रहा है गाइज। ये मस्ती खोर इतने हैं ना कि हमको कोई काम नहीं करने देते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरे को भी भूल जाती कभी कभी, मुझे थप्पड़ मार के याद दिलाना पड़ता। जस्ट शट अप चिनू ओके। सो गाइज ऐसा ही हाल हो रखा है हमारा, अब हम जा रहे हैं नीचे। तो गाइज हम आ गए हैं मॉल में और मुझे थोड़ा सा कॉस्मेटिक भी लेना था और युवा को गेम जोन भी लेकर आए, तो दोनों ही काम फटाफट कर लेते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं बेबी शार्क युवा को लेकर के। तो गाइज ये पासेस मिले हैं यहाँ पर एंट्री के बाद और युवा आ गए हैं अंदर। यहाँ पर युवा कहेंगे अब मस्ती। ये बाहर नहीं फेंकना बेटा, यू मैन। अरे 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 ऑफ हाँ रुक जा, फ्री तो होंगे कार। Let's go.
any of you know Ping Pong? You know Ping Pong? So that is Baby Sean, and we play for you the anthem yet another time. Okay, okay, hold on. Can I please go back, sir? The Ping Pong. तो गाइस मैं वहाँ से निकल गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ कॉस्मेटिक लेने जो कि मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर यूवो का गेम ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं फटाफट जा रही हूँ कॉस्मेटिक के शॉप पे। तो गाइस ले लिया है मैंने कॉस्मेटिक। गाइस मैंने फेसिस कैनेडा का लिया है क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है सबसे अच्छा। तो अब जाते हैं वापस यूवो और यूवो के पापा के पास, किधर हैं वो लोग देखते हैं।